एंड द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु बिकेम द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वह ऐसी पहली वुमेन है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी शी वॉज एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन द इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस उन्होंने आज़ादी की लड़ाई बड़े जोरों शोरों से और वो एक इम्पॉर्टेंट इंसान थी जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी सरोजनी नायडूज वर्कस एज अ पोएट अर्नड हर दॉब्रिक्यूट ऑफ नाइट एंगल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू ने पोएट के जैसे जो काम किया था उसके लिए सॉबी क्यूट यानी उनको एक टाइटल दिया गया था दैट इज़ द नाइट एंगल ऑफ इंडिया लेटर शी बिकम द गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस इन नाइनटीन फोर्टी फोटी में वो गवर्नर बनी थी बिकम द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द गवर्नर इन इंडिपेंडेंट इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया में एक ऐसी पहली वुमेन थी जिनको गवर्नर का पद मिला था इंडियन वो वीवर्स ये एक शॉर्ट पोएम है वेयर द पोएट टॉक्स अबाउट द थ्री टाइप्स ऑफ गारमेंट इसमें तीन टाइप के कपड़ों का बारे में बताया गया है जो कि वीवर्स बुन रहे हैं जो बुनते हैं उनको बोलते हैं वीवर्स जो कपड़े बनाते हैं उनको बोलते हैं वीवर्स वीव कर रहे थे यानी बुन रहे थे एट थ्री पर्टिकुलर टाइम्स ऑफ द डे और तीन पर्टिकुलर टाइम्स पे, उनका टाइम अलग अलग है जिस टाइम पे वो बुन रहे हैं उसको ईच स्टेंस ऑफ द पोएम रिप्रेजेंट्स द थ्री इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द ह्यूमन लाइफ और तीनों जो स्टेंजा हैं वो इंसान की जिंदगी के एक टाइम को दर्शाते हैं जैसे बर्थ यानि चाइल्ड हुड एडल्टुड यंग होना एंड डेथ ओल्ड द कलर्स मैंशन इन द स्टेंजा आर वेरी सिग्निफिकेंट एज दे इंडिकेट द मूड्स रिलेटेड टू द इवेंट्स और जो यहाँ कलर्स भी बताए गए वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो मूड बताते हैं उस इवेंट में तरीके का मूड है इंडियन वीवर्स वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे वाय डू यू वीव अ गार्मेंट सो गे ब्लू एज द विंग ऑफ हेलक्योन वाइल्ड वी वीव द रोप ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड वीवर्स वीवर्स बुनने वाले वीव कर रहे हैं बुन रहे हैं एट द ब्रेक ऑफ द डे जब शुरुआत होती है दिन की जिसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ द डे तो जिंदगी की जैसे शुरुआत होती है वैसे ही दिन की शुरुआत हो रही है और जो वीवर्स हैं अपनी बुनाई का काम शुरू किए हुए हैं उनसे पूछा गया है वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे तुम ये जो गारमेंट ये जो कपड़ा बुन रहे हो वह ऐसे डल ऐसे हल्के कलर का क्यों है ढीला ढाला क्यों है सो गे के लिए मतलब ब्लू एज विंग ऑफ हैलकॉन है, है, हेल्क वाइल्ड और जो कपड़ा है वो ब्लू है जैसे कि विंग्स जो पंख होते हैं जो हेल्क्यन है दैट इज़ अंग फिशर एक बर्ड है जिसके ब्राइट और कलरफुल पंख होते हैं उसका नाम लिया गया है एक वाइल्ड हेल्कन के जैसे ब्लू लाइट ब्लू या ब्राइट ब्लू कलर्स में कपड़ा क्यों बुन रहे हो वी वीव द रोप्स ऑफ द न्यू बॉर्न चाइल्ड ये जो कपड़ा है हम इसलिए बोन इसलिए बुन रहे हैं क्योंकि कपड़ा पहनाया जाएगा एक बच्चे का जिसका नया अभी, अभी बर्थ हुआ है उसको हल्के नीले कलर के कपड़े में उसे लपेटा जाएगा रोब्स जाएगा ने? रप लपेटा जाएगा रोब्स मींस लपेटना लपेटा जाएगा तो न्यू यानी ये पैराग्राफ क्या दर्शा रहा है कि जो दिन की शुरुआत है वैसे ज़िंदगी की शुरुआत है जैसे कि जिंदगी की शुरुआत हल्के कलरों से होती है वैसे हल्के कलर में वो कपड़ा बुना जा रहा है और किस लिए बुना जा रहा है क्योंकि एक न्यू बॉर्न को लपेटा जा रहा है वो कपड़ा सेकेंड पैराग्राफ बोलता है सेकेंड जो स्टेंज़ा है पोएम का वो बोलता है The weavers weaving at fall of night. Why do you weave a garment so bright, like the plumes of a peacock, purple and green? We weave the marriage veils of a queen. Weavers, जो weavers हैं जो बनाई कर रहे हैं, वो weave कर रहे हैं कब? At a fall of night, रात होते होते तक के जैसे ज़िंदगी में हम बड़े होते हैं, वैसे ही ज़िंदगी आगे बढ़ चली है। उस टाइम पे वो वीव कर रहे हैं। Why do you weave a garment so bright? वो जो कपड़े हैं वो एकदम चमकीले भड़कीले कलरों से बना हुआ है एकदम भड़कीले कलरों के कपड़े बुन रहे हैं तो उनसे पूछा गया है कि क्यों आप इतने ब्राइट कलर के कपड़े बुन रहे हो लाइक द प्लूम्स ऑफ द पीकॉक जैसे पीकॉक के जो पंख होते हैं जो फैदर होते हैं वो जैसे ब्राइट पर्पल और ग्रीन कलर के होते हैं वैसे कपड़े की बुनाई वो कर रहे हैं तो वीवर बोलते हैं वी वीव द मैरिज हम ये जो कपड़े हैं वो यंग एक शादी जिसकी हो रही है उसके लिए बुन रहे हैं तो व्हील्स ऑफ अ क्वीन जो दुल्हन है उसको बोला गया है क्वीन और जो व्हील है यानी जो घूंघट वो उड़ेगी वो ब्राइट कलर से उड़ेगी उसके लिए हम इन कपड़ों को वीव कर रहे हैं ये जो सेकंड स्टेंजा है वो यंग लोगों को दर्शा रहा है जैसे ज़िंदगी बचपन से आगे बढ़ के यंग इंसान आगे बढ़ाए तो उसकी जिंदगी ब्राइट कलरफुल कलर से भर जाती है वैसे ही जो वीवर हैं वो बर्थ से बाद अभी आगे बढ़े हैं और यंग कलर से उसकी जिंदगी भर गई है थर्ड पैराग्राफ बोलता है थर्ड थर्डा बोलता है द वीवर्स वीविंग अ सोलम एंड स्टिल वाई डू यू वीव इन द मून नाइट स्टिल मून लाइट स्टिल वाइट एज अ फेदर वाइट एज अ क्लाउड वी वीव अ डेड मीन फ्यूनरल श्राउड यानी बुनने वाले क्यों वीव कर रहे हैं ऐसे शांति से सोलम मीन्स एकदम शांत अकेले स्टिल बिना हिले डुले बहुत शांति से वो काम कर रहे हैं एकदम उदासी भरे माहौल के लिए बोला गया है वाई डू यू वीव इन द मून लाइट स्टिल तुम क्यों ऐसे बुन रहे हो ऐसे मून लाइट ऐसे ठंडी रात में वाई डू यू वीव इन द मून लाइट क्यों ऐसे ठंडी सी रात में चांदनी ठंडी रात में तुम ऐसे वीव कर रहे हो कपड़ों को वाइट एज अ फैदर वाइट एज अ क्लाउड जो कपड़े हैं वो सफ़ेद हैं जैसे कि किसी पक्षी के सफ़ेद पंख या फिर बादलों पे सफेद बादल हु वी वीव अ डेड मैंस फ्यूनरल श्राउड हम वीवर बोलते हैं कि हम जो ये बुन रहे हैं वो एक फ्यूनरल के लिए किसी इंसान जिसकी डेथ हो गई है उसके फ्यूनरल में जब उसे लपेटा जाएगा जो कपड़ा जब उसे ले जाते हैं तो वो जो सफ़ेद कलर के कपड़े से उसे लपेटा जाता है उसके लिए हम ये कपड़ा बुन रहे हैं इसलिए इतनी शांति से और इतने ठंडे माहौल में ये सब बुना जा रहा है तो इस तरीके से ये जो हमारी पोएम है पहले जिन्जा में बर्थ सेकंड में यंग और थर्ड में ओल्ड के लिए बुने हुए का गारमेंट्स के अपने हमारी ज़िंदगी के अलग अलग स्टेजेस को बता रही है कि जब हम पहले स्टेज में रहते हैं हम खुश रहते हैं न्यू बोर्न बर्थ होता है जब हम सेकेंड स्टेज जैट दैट इज़ यंग स्टेज ऑफ आवर लाइफ में जब हम जाते हैं तो उस टाइम पे ज़िंदगी एकदम खुशियों से कलरों से भरी हुई रहती है और जब बूढ़े हो जाते हैं तो एक सादगी सफ़ेद चदर ओढ़ दी जाती है और एक वक्त आता है जब हम पूरी तरीके से शांत हो जाते हैं और उसी सफ़ेद गारमेंट में लपेट के अपने डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़ते हैं